Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamu alaikum. Big O ki iteration example number 9. A function hai, isme ye wale variable jinki type int hai. Ye for loop hai jiska loop control variable I hai, jisko initialize kiya gaya hai, n ki jo bhi value hogi usko 2 pe divide karenge, jo value aa jayegi wo I को असाइन कर दी जाएगी. सपोज कर लें n की वैल्यू 10 है तो ये I को 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी. इसी तरह ये एक फॉर लूप है जो 1 से शुरू हो रहा है और वो जाएगा वहां तक जहां तक n की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उस तक ये इटरेट करेगा. ये वाला इनर जो लूप है जिसका लूप कंट्रोल वेरिएबल k है, ये 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा. इसमें जो इंक्रीमेंट होगा k की जो ऑलरेडी पहले से मौजूद वैल्यू होगी उसमें उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. अब देखें i हर दफा जितनी भी वैल्यू n की होगी उसको हाफ कर देंगे, उतनी दफा आइटरेट होगा. j भी उसी तरह उतनी ही दफा आइटरेट होगा. अब k की वैल्यू देखते हैं. जब k की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर देखते हैं इस कंडीशन के मुताबिक अब हमने k की वैल्यू को यहां 1 रखा, ये 2 वैसे ही आया. मल्टीपल पहली दफा सपोज कर लेंगे आइटरेशन हो चुकी है. आइटरेशन करने के बाद जो इंक्रीमेंट होगा क्योंकि शुरू में इसकी वैल्यू 1 थी, इसने इस कंडीशन को चेक किया, आइटरेट किया. अब यहां देखें आइटरेशन के बाद उसने इस कंडीशन के मुताबिक इसमें इंक्रीमेंट करना है तो ये इसकी ये आइटरेशन के लिहाज से 1 वैल्यू आई, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया. इस कंडीशन के मुताबिक k की जो नई वैल्यू बनी वो 2 हो गई. अब उसने कंडीशन को दोबारा चेक करना होगा. चेक करने के बाद फिर दोबारा जब कंडीशन 2 होगी तो एग्जीक्यूट कर देगा. अब नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर ये ऑलरेडी 2 वही आ रहा है, ये वैल्यू यहां आ जाएगी और तीसरी यानी थर्ड आइटरेशन के अंदर ये 4 यहां आ जाएगा. अब हमने जनरलाइज करने के लिए इस 2 को 2 रेस पावर 1 लिख लिया, इस 4 को 2 रेस पावर 2 लिख लिया, इस 8 को 2 रेस पावर 3 लिख लिया. अब k की वो वैल्यू सपोज कर लें जहां पे जाके n को सेटिस्फाई कर देगा या इक्वल हो जाएगी, सपोज कर लें 2 की रेस पावर m है जहां पे k की ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. तो इसको हमने इस शक्ल में लिखा, यहां log लिया, log के मुताबिक इसकी शेप को चेंज कर दिया. अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को लिखा, मैंने कलर को उसके लिहाज से लिख दिया, वैल्यूज को कलर के मुताबिक लिख दिया. ये वाला n by 2 इस लूप का है और ये वाला n by 2 इस लूप का है और इसी तरह log to n जो है वो इस वाले लूप का है. जब हम इसको पहले सम अप करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, log 2 आ जाएगा. तो ये हमारी जो वैल्यू है बिग ओ है जिसकी वैल्यू n स्क्वायर log 2n है. जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.